जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्रे के YouTube चैनल और ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं हूं रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी और ये हमारी दिन मंत्रा कनेक्टेड ऐप जिसे आप देते हैं 5-स्टार रेटिंग, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। इसी दिन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पर हम आपके लिए लेके आए हैं 120 नए कोर्स रिलॉन्च करते हुए, जिसमें आप पाएंगे हमारी पहली कैटेगरी टेट। टेट कैटेगरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला सी टेट, दूसरा यूपी टेट, तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका क्या हरियाणा टेट, और चौथी तरफ है बाकी रेस्ट टेट, जिसमें हमें स्टेट टेट को पढ़ेंगे, एमपी टेट, पंजाब टेट, उत्तराखंड टेट या फिर होगा बिहार, एक्स वाई जेड सारे टेट इसमें शामिल होंगे। दूसरी तरफ आप देखते हैं यहाँ एक नई चीज जो है जॉब कैटेगरी, जिसमें आप पाएंगे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जिसके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के कोर्स होंगे। साथ साथ इसमें लॉन्च होगा डीएसएसबी का ऑफलाइन बैच, जो आपको मिलेगा ऑनलाइन भी, लेकिन बाद में ऑफलाइन भी आ सकते हैं क्योंकि डीएसएसबी का अनाउंसमेंट आने लगा उसके एग्जाम का। उसके साथ साथ आप देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है हमारा एग्जाम रीट, तो रीट का भी रिलॉन्च कर दिया गया आप लोगों के लिए दोबारा। याद रखिएगा 10 मई से लेकर 13 मई तक, मतलब 3 दिन, अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो इस कोड का जिसका नाम है MM50, तो आपको हर कोर्स में मिलेगा 50% डिस्काउंट, लेकिन उसके बाद भी जाइएगा मत। 13 तारीख के बाद से लेके आप 31 मई तक यूज कर सकते हैं MM555, जिसपे आपको फ्लैट मिलेगा 555 रुपए का डिस्काउंट। तो पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। ये मत सोचिएगा एग्जाम नहीं आने वाला, एग्जाम आ रहे हैं, बस आप पढ़ते रहिएगा और अपनी शिद्दत से पढ़ाई करते रहिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कोरोना से जरूर बच के रहिएगा। थैंक यू। और ठीक चल रहा है? चलिए दोस्तों, नमस्कार यार। हाय, दिस इज दीपक हियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। डीपली रिग्रेटेड फॉर द लास्ट डे गाइस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद द वीडियो एंड वी कुड नॉट गेट कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं दोस्तों हमारा आज का क्या प्रोग्राम है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। Just give me the confirmation, is audio video okay to everyone? Okay, I really want to take the confirmation, is audio video okay to everyone guys? Jaldi bata dijiye dosto, is audio video yaar dekho, everybody wants to be great in his life, okay, but how much effort you are putting to be great, that really matters a lot, okay? Everybody wants to be great in his or her life, but the problem is that are we putting that much of effort to be great? So if we are doing that much of effort, are we speaking 15-20 lines of English language on daily basis? Are we learning 5-10 words on daily basis? Okay, chaliye mere ko bata dijiye, is everything okay guys? यार मीशा प्राइवेट इसलिए हो गई थी बिकॉज लास्ट वीडियो वॉज नॉट इवन अपलोडेड, देर वॉज सम नेटवर्क इश्यू, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर, हाउ व्हाई वुड आई गो फॉर प्राइवेटिंग माय वीडियो, नो सो दैट कैन नेवर हैपन। ओके चलिए आ जाइए, एक बार बता दीजिए इज एवरीथिंग क्लियर। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड स्प्रेड इट टू अदर पीपल, ठीक है। वशिष्ठ वर्मा बोल रहे हैं हिंदी नहीं बोलते क्या सर? ओ यार हिंदी भी बोलता हूँ, प्योर हिंदी जानता हूँ, ठीक है ना। आई कैन ऑल्सो स्पीक हिंदी, बट प्लीज अंडरस्टैंड इंग्लिश की क्लास में थोड़ी तो इंग्लिश डाइजेस्ट कर लो। अगर इंग्लिश की क्लास भी हिंदी में लेनी है तो फिर भाई मजा आ जाएगा आपको, फिर तो जरूर आपकी हिंदी इंप्रूव हो जाएगी एक दिन। गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू गो विद यू नो द क्लासेस ऑफ यू नो इंग्लिश इन टू इंग्लिश। चलिए आ जाते हैं, हमारे बैचेस है गाइज, यू कैन सिंपली गो एंड सर्च आवर बैचेस, ठीक है। ओके आई हैव द वोकैबुलरी बैच विद ऑल ऑफ यू गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ गोइंग ऑन। अगेन आई हैव रीइटरेटेड दैट दिस बैच इज फॉर 599 रुपीज, ठीक है। माय वोकैबुलरी बैच इज फॉर 599 रुपीज गाइज, एंड इफ यू अप्लाई द कोड Deepak10, if you apply the code Deepak10, right, which is in caps, you can get the 10% discount, okay, you can get the 10% discount,
चलिए आ जाइए दोस्तों, एंड वेरी वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। 21 क्वेश्चन है गाइस, इंस्टेड ऑफ 20 मैंने 21 नंबर का 21 क्वेश्चन का सगन डाल दिया है, ताकि जो भी भूत प्रेत निकट नहीं आवे। ठीक है, तो ये सब कुछ वीडियो वीडियो खराब हो रहे थे, तो आई हैव गॉन विद यू नो द 20। सो गाइस, इट इज वेरी 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 ट्रू, द कोट विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू बिकम वॉट यू बिलीव, एंड दिस इज ट्रू गाइज। टिल नाउ यू बिलीव दैट यू कैनॉट स्पीक इंग्लिश, एंड दैट्स द रीजन वाई यू कैनॉट स्पीक। ओके, इफ यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू स्टार्ट बिलीविंग यू कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर, द वेरी नेक्स्ट डे यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। द प्रॉब्लम इज दैट वी आर बिलीविंग समथिंग एल्स, वी बिलीव दैट वी कैनॉट स्पीक इंग्लिश। माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन, प्लीज स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द लैंग्वेज। ओके, तो जो आप सोचोगे वो आप बन जाओगे, ये बात बिल्कुल सही है गाइज। इट हैज नथिंग टू डू विद योर प्रायर बैकग्राउंड, लाइक द प्रायर एजुकेशन, इट हैज नथिंग टू डू विद द बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। इट डजंट मैटर यू आर फ्रॉम यूपी, बंगाल, पंजाब, ठीक है ना, इट इज एंटायरली अप टू यू हाउ यू बिलीव, है ना, एंड डेफिनेटली यू गोना बिकम दैट। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, आ जाते हैं जल्दी से और बनाना शुरू करते हैं। जल्दी कर दीजिए, आ जाइए दोस्तों। गुड मॉर्निंग है मेरे को, मेरी तरफ से सबको यार गुड मॉर्निंग है दोस्तों। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द सेशन, यू स्प्रेड द सेशन टू द अदर पीपल, एंड दिस इज वेरी ट्रू गाइस। दिस इज वेरी वेरी ट्रू गाइस, दैट यू कैन बिकम व्हाट यू फील। व्हाट इज द बेस्ट वे टू बिकम द मास्टर ऑफ इंग्लिश, स्पेशली ओरल? व्हाट यू नीड टू डू इज टू, देखो मुकेश, यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर राइटिंग योर मैसेजेस इन इंग्लिश, and that I really appreciate. Your messages, your writing in English, that I really appreciate. Chale guys, let's start with the first one. And kal bhi yahi bata raha tha, no sooner ke saath, ye question bahut aate hain guys, no sooner ke saath, ye conjunction hai guys, and there is a combination of then, hardly, scarcely ke saath, bataiye kiska combination chalta hai? Hardly, scarcely के साथ किसका combination चलता है? Right? Else के साथ किसका combination चलता है? ये थोड़े बहुत combination है। Hardly, scarcely के साथ किसका combination है guys? We have hardly and scarcely के साथ when का। Right? Else के साथ किसका combination चलता है? है ना? Else के साथ combination चलता है but का। Right? Else के साथ combination चलता है but का। भाई ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन इंग्लिश में होते हैं जो हमें याद रखने हैं, राइट? इट मतलब आई हैव नो वन एल्स टू टॉक टू बट माय वाइफ। ओके, एल्स के साथ बट का कॉम्बिनेशन है, वेरी नाइस। सो फर्स्ट वन वी हैव इज देन, ठीक है। पहला जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? देन आंसर बनेगा। आ जाइए सेकेंड में चलते हैं गाइज, लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन, लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। आज ग्रामर कराऊंगा गाइज, बहुत हार्ड कोर ग्रामर, जो पूरी, ठीक है ना, बहुत हार्ड कोर ग्रामर है। यस, मैंने पेड बैचेस में पढ़ाया है बहुत डिटेल में, कंजंक्शंस के अंदर ये सारे। अच्छा देखिए गाइज, अब मैं बार आज हमारी जो है गाइज, दैट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड योर नो ग्रामर पार्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, व्हेन आई कॉल्ड डैश हर रेजिडेंस, ही वाज स्टिल इन बेड। देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है कॉल ऑन। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, किसी से मिलकर आना। पीपल आर नॉट एबल टू कॉल ऑन ईच अदर ड्यूरिंग कोरोना वायरस। पीपल आर नॉट एबल टू कॉल ऑन ईच अदर ड्यूरिंग कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के दौरान लोग एक दूसरे से मिलने नहीं आ पा रहे हैं दोस्तों। पीपल आर नॉट एबल टू कॉल ऑन ईच अदर बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से लोग एक दूसरे से क्या नहीं हो पा रहे, मिल नहीं पा रहे हैं। तो कॉल ऑन का मतलब ध्यान रखना, किसी को बुलाने की बजाय इसका मतलब ज्यादा सही है विजिट करना। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा व्हेन आई कॉल्ड ऑन हिज रेजिडेंस, यानी जब मैं उसके घर पर आया उससे मिलने, वो अभी भी सो रहा था या अभी भी लेटा हुआ था, राइट? तो कॉल ऑन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। चलिए द फर्स्ट वन वी हैव ऑल डी ट्रिपल एस बी ए गाइज,
दिस इज कंप्लीट D SSS, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए गाइस, आ जाइए जल्दी से बताइए आंसर क्या बनेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी। और आज सारा ग्रामर लेके आया हूं, उसके अंदर जो D SSS के थोड़े टफ क्वेश्चन थे ग्रामर के, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नो वन कॉल ऑन टू एनीवन इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, काजल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोग एक दूसरे को डेफिनेटली कॉल ऑन नहीं कर रहे हैं, मिलने नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। जॉन ब्रिंसन कॉल ऑन मोदी टू अटेंड G7, ओके पीक। देखो अगर मैं बोलूं डाइड इन दी, ये पीक बोलते हैं लेकिन ये ईडीएम है गाइस, है ना, ये ध्यान रखना, ये ईडीएम है और ये ईडीएम कहता है प्राइम ऑफ हिज लाइफ। प्राइम ऑफ हिज लाइफ का मतलब होता है जब किसी की लाइफ का बेस्ट टाइम चल रहा हो दोस्तों, जब किसी की लाइफ का बहुत बेस्ट टाइम चल रहा हो, इसको हम हेलिशियन डेज भी बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं हम, हेलिशियन डे। यानी बेस्ट डे, ठीक है ना। अगर मैंने बोला यार आई डोंट नो व्हाई सुशांत कमिटेड सुसाइड व्हेन ही वाज इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, ठीक है ना, तो मुझे नहीं पता यार व्हाई ही कमिटेड सुसाइड व्हेन ही वाज इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, व्हेन ही वाज इन द हेलिशियन डेज, जब क्या था, हिज ब्रेड वाज बटर्ड, ही वाज इन हिज सैलेड डेज, ठीक है ना। तो सैलेड डेज, हेलिशियन डेज, प्राइम ऑफ हिज लाइफ, ये सारा वो टाइम होता है गाइस जब कोई बेस्ट पीरियड में चल रहा हो, अपने सबसे अच्छे पीरियड में चल रहा हो, राइट। तो प्राइम ऑफ हिज लाइफ बहुत फेमस फ्रेज है गाइस, उसको हम बोलते हैं बेस्ट टाइम, हेलिशियन डेज, वेरी नाइस यार, बेस्ट टाइम एंड यू कैन कॉल दिस एज द हेलिशियन डेज। अच्छा देखिए नेक्स्ट वन देखिए, डायरेक्टर ने, अब देखिए ये भी एक फ्रेज है टेक टू टास्क, इंग्लिश में ये भी एक फ्रेज है टेक टू टास्क, राइट। टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांट लगाना, रेप्रीमांड करना, है ना, किसी को स्कोल्ड करना, ठीक है ना। मतलब डायरेक्टर ने उसको डांट लगाई उसके मिसबिहेवियर के लिए, तो ये होता है गाइस टेक हिम टू टास्क, है ना। तो यहां पर आएगा डायरेक्टर टुक हिम टू टास्क, टोकिम टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांट लगाना, किसी को स्कोल्ड करना, ये ध्यान रखिए, राइट। किसी को डांट लगाना, किसी को स्कोल्ड करने को हम बोलते हैं टेक हिम टू टास्क, ओके, बहुत फेमस फ्रेज है, ठीक है ना। डायरेक्टर टुक हिम टू टास्क फॉर हिज मिसबिहेवियर, तो दोनों ईडीएम आए हुए थे ये, और थोड़ा अलग तरीके से आए हुए थे, यहां पर टुक आ गया, यहां पर प्राइम आ गया, राइट, यहाँ पे टुक आ गया, यहाँ पे प्राइम आ गया। फेस द म्यूजिक अलग होता है यार, फेस द म्यूजिक होता है किसी को पनिशमेंट देना, किसी को अलग वे में, है ना, टेकिंग टू टास्क, फेस द म्यूजिक बोल सकते हैं, फेस द म्यूजिक होता है किसी को एक तरीके से बोलू तो पनिश करना, ठीक है ना। द पीपल हु आर डूइंग करप्शन मस्ट फेस द म्यूजिक एंड मस्ट बी यू नो सेंड टू जेल, जो लोग भी, ठीक है ना, अगर मैं बोलूं तो क्या कहते हैं, करप्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, दे ऑल मस्ट बी सेंट टू जेल, दे ऑल मस्ट फेस द म्यूजिक। फेसिंग द म्यूजिक डांस करना नहीं होता है, ध्यान रखना। चलिए बनाइए आंसर दोस्तों क्या बनेगा, देयर इज वाइड स्प्रेड डैश अगेंस्ट द मैनेजमेंट ओवर द वे दे हैव इग्नोर्ड द वर्कर्स डिमांड। चलिए जल्दी जल्दी बताइए और स्प्रेड करिए दोस्तों सेशन को। नाहिद परवीन, ड्रेस डाउन अच्छा वर्ड है टेक टू टास्क के लिए, ड्रेस डाउन भी होता है डांट लगाना। देखिए कितने एक्सपर्ट हो गए हैं यहाँ पे लोग कितने एक्सपर्ट हो गए हैं, ड्रेस डाउन भी बताया, ड्रेस डाउन मतलब भी होता है स्कोल्ड करना, राइट, ड्रेस डाउन मतलब भी होता है स्कोल्ड करना। चलिए आ जाइए, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन गाइस, देयर इज अ वाइड स्प्रेड डैश अगेंस्ट द मैनेजमेंट। देखिए अगर मैं बोलूं फीलिंग हम जानते हैं, सेंटीमेंट जानते हैं, रिजेंटमेंट समझ लो, रिजेंटमेंट मतलब होता है किसी के लिए जब आप में गुस्सा हो, किसी के लिए आप में एक आउटरेज हो, ठीक है ना, किसी के लिए आपके मन में एक
एंगर वाली फीलिंग, दैट इज कॉल्ड रिजेंटमेंट, ठीक है ना, रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट मतलब एक तरीके से मन में बहुत गुस्सा, देयर इज अ वाइड स्प्रेड यू नो रिजेंटमेंट, जैसे फार्मर्स आर शोइंग देयर रिजेंटमेंट अगेंस्ट द न्यू फॉर्म लॉ। देखो ये छोटी छोटी लाइनें होती है विच कैन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंज इन आवर लाइफ। अगर मैं ये आई कैन स्टार्ट स्पीकिंग दी स्मॉल स्मॉल लाइंस इन आवर डेली लाइफ, दैट इज द एक्चुअल चेंज, ठीक है, दैट इज द एक्चुअल चेंज इन इंग्लिश, दैट आई एम सेइंग द फार्मर्स आर शोइंग देयर रिजेंटमेंट अगेंस्ट द न्यू फॉर्म लॉ एंड सिटिंग ऑन धरना फ्रॉम द लास्ट सिक्स मंथ्स। तो फार्मर अपनी क्या दिखा रहे हैं, रिजेंटमेंट दिखा रहे हैं, यानी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं गाइस, ठीक है। फार्मर्स आर शोइंग देयर resentment against the management or the farmers are showing their resentment against the, you can simply say against the Narendra Modi government. So resentment aa jayega jiska matlab outrage, furor, theek hai na, gussa, ire, theek hai, ye sare word hum use kar sakte hain jab hum gusse ki baat karte hain. Chaliye aaiye dosto 6 number pe, thodi si errors bhi hain wo dekhte hain, isme kya hamare paas error hai wo dekhte hain jaldi se. आ जाइए दोस्तों, जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी स्प्रेड करिए, देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं जल्दी से। बनाइए दोस्तों आंसर जल्दी से। हां जी, क्वेश्चन नंबर बताइए जल्दी से कि यहां पर किस जगह पे एरर है दोनों के अंदर, कहां पे आपको एरर मिल रही है जल्दी जल्दी बता दीजिए। द हाउस विद इट्स फर्नीचर एंड द एग्जॉटिक प्लांट्स वर सोल्ड फॉर ₹50,000। देखिए सीधी सी बात है, मैंने शायद बहुत बार बताया है कि अगर एंड से सब्जेक्ट हमारे जुड़ते हैं मल्टीपल तो आप ऑल सब्जेक्ट लेते हो, जैसे राम एंड श्याम, तो यहां पे राम भी है श्याम भी है तो आर आएगा। लेकिन अगर यही चीज और से जुड़ती है या नॉर से, तो फिर आप वर्ब के नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट लेते हो, फिर उस केस में आप वर्ब के नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट लेते हो। जैसे अगर कोई आपको बोले राम रामो लिख लो चलो और हिज फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना यहां पे जो और आने की वजह से अगर आप वर्ब मार्क करोगे तो वो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगी, और हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या आएगी, आर। और मानिए अगर आपके पास और नॉर भी नहीं है और एंड भी नहीं है, कोई और चीज है, जैसे यहां पर विद से जुड़ रहा है, विद से जुड़ने पर फिर आगे की किसी की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है वो क्या है, हाउस है। यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों वो क्या है, हाउस है, और हाउस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हाउस के अकॉर्डिंग आएगा वॉज, राइट। हाउस के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा दोस्तों, वॉज आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आपको सब्जेक्ट फाइंड करना आना चाहिए, और मैं हमेशा से कहता हूं जब भी एरर ढूंढो सबसे पहले आप उसका सब्जेक्ट ढूंढो, फिर उसके अकॉर्डिंग गाइज उसकी क्या करो, वर्ब को सर्च करो, ठीक है ना। वेन एवर यू फाइंड अ यू नो एरर, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढिए और फिर उसके बाद जाइए आप उसको क्या करिए, उसके बाद उसकी वर्ब ढूंढिए। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है हाउस, तो हाउस के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आना चाहिए, हाउस के अकॉर्डिंग यहां पर वॉज आना चाहिए, राइट। All UPSC aspirant waiting for interview now. Very nice. चलिए देखिए, many, अगर मैं बोलू many plus में a और n, तो ध्यान रखना उसके बाद आपका singular noun आता है, क्योंकि इसका मतलब होता है एक एक करके बहुत सारे। many a, अगर मैं बोलू, अगर many a और n आ जाए, तो दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं, यहां पर many या students कर देते हैं, मैनी आ स्टूडेंट्स नहीं होगा, ये तो ठीक है स्टूडेंट है ना, यहां पर आएगा गलत, ये इज आएगा। मैनी आ और एन के साथ सिंगुलर नाउन आता है, और सिंगुलर ही आपकी क्या आती है दोस्तों,
वर्ब आती है ये ध्यान रखना। कभी भी मैनी के बाद ए और एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर जो है यहां पर इज फ्रस्ट्रेटेड आएगा रादर देन आर फ्रस्ट्रेटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मैनी अ बॉय और बॉयज इज और आर कमिंग। तो जब यहां पर मैनी आ गया ना तो इसके आगे आपको बॉय लगाना है और यहां पर इज लगाना है, ये ध्यान रखें। तो इस तरीके से इसको आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैनी प्लूरल आता है, यस मनोरमा सही बोल रहे हैं, मैनी रिक्वायर्स प्लूरल वर्ब, लेकिन जब मैनी के बाद ए आ जाए तो वो ध्यान रखना, फिर आपका वो होता है सिंगुलर। मैनी आ जो है दैट गोज विद सिंगुलर, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर इज आ जाएगा, यहां पर आपका वॉज आ जाएगा, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है आज ये दोस्तों। और ये सारी एरर्स यार पेपरों में आई हुई हैं आपके, ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी एरर आपके पेपरों में आई हुई है। एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क ऑन दीज एरर्स, एटलीस्ट गेट द आइडिया लाइक व्हाट दे आर स्टेटिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन दीज एरर्स। तो हमें एक अच्छा फेयर आइडिया होना चाहिए गाइस सबको। चलिए, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लाइक वॉन्ट टू विजिट द न्यू प्लांट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। आज ये जल्दी बताइए दोस्तों। यस बलदेव प्रिया बिल्कुल सही बोल। अच्छा, मैं आ मैनी प्लूरल क्या बोल रही है? चलिए बनाइए जल्दी से, आइए दोस्तों जल्दी जल्दी बता दीजिए और सेशन को लाइक और स्प्रेड कर दीजिए, जल्दी बताइए। देखो मैं हमेशा से बोल रहा हूं आप सब्जेक्ट देखना शुरू करो। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ना, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेरा सब्जेक्ट है। अब बताओ ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर मैं बोलूं अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर देयर या इज देयर, तो आप कहेंगे ग्रुप है तो फ्रेंड्स का, लेकिन है तो ग्रुप ही है ना, है तो फ्रेंड्स का लेकिन है वो ग्रुप, और ग्रुप क्या है दोस्तों, ग्रुप आपका सिंगुलर है। अब ये बताओ ये वाली सिंगुलर वर्ब होती है वॉन्ट या वॉन्ट्स? जब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है खाली तो उसे माना जाता है प्लूरल, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाए तो उसे माना जाता है सिंगुलर, राइट। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाए तो उसे माना जाता है सिंगुलर। गाइज व्हेन यू हैव योर सब्जेक्ट एज सिंगुलर, तो यहां पर आपको क्या करना है, वॉन्ट का वॉन्ट्स कर देना है, ये ध्यान रखना। जब आपके पास आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसको वॉन्ट को आप वॉन्ट्स कर दीजिए, ये ध्यान रखना, राइट। तो अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू विजिट द न्यू प्लांट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, नाइन नंबर। नाइन नंबर बहुत फेमस एरर है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर बोल रहा है ऑन अ हॉलीडे सुधा प्रेफर, सुधा आपका सिंगुलर है, प्रेफर्स आना सही है, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की एरर नहीं है। नहीं नहीं ये क्या नाम है, चमन पुनिया यार, प्रेफर नहीं आएगा, आपका सुधा सिंगुलर है तो प्रेफर्स ही आएगा। बस ये ध्यान रखना प्रेफर के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आती है वो टू आती है, उसमें कंजंक्शन ये देन नहीं आएगा। अगर मैं बोलूंगा आई प्रेफर डैश टू दिस है ना, आई प्रेफर इंग्लिश टू हिंदी, आई प्रेफर इंग्लिश टू हिंदी, यानी मेरे को इंग्लिश ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू हिंदी, राइट। यहां पर प्रेफर के साथ ये ध्यान रखना ये देन नहीं आएगा, यहां पर टू आएगा, और ये बहुत फेमस एरर है गाइस, राइट। ये इंग्लिश की बहुत फेमस एरर है, जैसे जितने भी ये होते हैं सीनियर जूनियर ठीक है ना इंफीरियर, इन सब के साथ आपको टू लगाना होता है, इन सब के साथ क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। प्रेफर यू नो अगर मैं बोलूं सीनियर जूनियर इंफीरियर सुपीरियर, ठीक है ना, आई प्रेफर कॉफी टू टी, वेरी नाइस यार है ना, वेरी नाइस, आई प्रेफर कॉफी टू टी। चलिए नाइस वन यार दोस्तों, बहुत अच्छा जा रहे हैं हम लोग,
एक बार फाइनल स्कोर जरूर बताएंगे हम लोग। चलिए बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। 10 नंबर, डू इट फास्ट यार। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है अभी शुक्ला जी, लेस्ट के साथ शुड आता है, ठीक है ये ध्यान रखिएगा। आई प्रेफर सॉल्टी टू सुगर। ओके चलिए बनाइए जल्दी। 10 नंबर। आई एम कविता आर्या, गुड मॉर्निंग है कविता। सीनियर जूनियर इंफीरियर, यस रिम्पी सही कह रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए गाइज, अगर किसी को एक तरीके से पार्डन देती जाए और खासकर पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं गाइज? बहुत फेमस वर्ड है, उसका नाम है एमनेस्टी। उसका नाम है एमनेस्टी, जिसको हम क्षमादान बोलते हैं, राइट? और मैं बोलूं तो एमनेस्टी गाइज एन नंबर ऑफ टाइम्स दी जाती है। कई बार किसी की सजा माफ कर दी जाती है ना, वो सब चीजों के लिए एमनेस्टी दी जाती है। अगर मानिए राष्ट्रपति किसी को माफी दे रहा है तो उसको भी हम एमनेस्टी बोल देते हैं, राइट? अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं क्या नाम है, निर्भया केस के जो मर्डरर थे, ठीक है ना, दोज पीपल आस्क फॉर दी एमनेस्टी। उन्होंने कितनी एमनेस्टी मांगी थी राष्ट्रपति से, बट दैट वाज कंप्लीटली डिनाइड। वो उसको बार बार डिनाइड कर दिया गया था एंड लेटर ऑन इनको आगे मतलब फांसी दे दी गई। अच्छा देखो, क्लीमेंसी मतलब होता है मर्सी। इंग्लिश में ये भी बोलते हैं क्लीमेंसी प्ली, यानी मर्सी प्ली इज पेंडिंग विद राष्ट्रपति। यानी क्लीमेंसी मतलब होता है दया दिखाना। यस्टरडे वेदर वॉज क्वाइट इनक्लीमेंट, वी हैव सीन 15,000 क्रोड लॉस इन द एंटायर इंडिया ऑलमोस्ट, राइट? सो दैट यू नो दी, जो एक तूफान कल आया गाइस, है ना, दैट क्रिएटेड एन इनक्लीमेंट वेदर। इनक्लीमेंट मतलब निर्दयी, है ना, तो क्लीमेंसी मतलब होता है मर्सी और इनक्लीमेंट मतलब हो गया जिसमें कोई दया ना। चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पे एमनेस्टी आया, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। बनाइए, देखते हैं कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है, और ये बिल्कुल मैं मानता हूं, है ना, उसी हिसाब से आ सकता है। चलिए बनाइए नेक्स्ट वन जल्दी से। यस, आर्टिकल 72 बताया टलू प्रधान जी ने, टुलू प्रधान, प्रधान जी बोल सकता हूं मैं, है ना। हाँ जी, वेरी नाइस यार, मतलब आई डोंट हैव दैट मच ऑफ पॉलिटिकल लाइक दी, मेरे को पॉलिटी का उतना नॉलेज नहीं है, पर ठीक है, इफ यू हैव टोल्ड अस दैट्स रियली ग्रेट। ओके, आई डैश स्टडीड योर प्रपोजल एंड रिग्रेट दैट आई कैनॉट एक्सेप्ट इट। क्या आएगा गाइज? मैंने अब देखो, कई लोग हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं विच इज डेंजरस, वो मत करिएगा। दया याचिका, यस सही बोल रहे हैं, क्लीमेंसी प्ली मतलब दया याचिका। देखो यहां पर वो बोल रहा है मैंने तुम्हारा प्रपोजल पढ़ लिया है। अब एक चीज ध्यान रखना, पास्ट का मतलब होता है पास्ट में ही खत्म हो जाना, ठीक है। यहां पर उसने अभी अभी पढ़ा है ना, और उसका वो रिप्लाई दे रहा है। तो गाइज ये ध्यान रखना, यहाँ पे पास्ट नहीं आएगा। उसने वो स्टडीड प्रपोजल अभी अभी पढ़ा है, और कोई भी काम अगर अभी अभी हुआ हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना वो हमेशा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। उसको आप हमेशा किस में बनाते हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, ये ध्यान रखना। हमारा आंसर आएगा सी फॉर कैट। चलिए नेक्स्ट की तरफ भाग चलते हैं, देखते हैं ये कितने सही बनाते हैं लोग। आइए दोस्तों जल्दी देखते हैं कितने लोग इसको सही बनाते हैं, जल्दी बनाइए। Let's see how many of you can give in this right answer for this indirect speech. He said babies drink milk. चलिए बनाइए दोस्तों जल्दी से। Let's see what do we have in this. इसमें कितने लोग सही जाते हैं वो देखते हैं दोस्तों। सेशन को लाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। अनुपमा, अगर आप अनुपूर्णा, अनुपूर्णा पांडे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं गाइस, ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, इंग्लिश के 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना।
देखो अगर आप ये मान रहे हो कि उसने बेबीज को एडवाइस करा, ठीक है ना, तो वो गलत आंसर है। वो कह रहा है उसने कहा बेबीज ड्रिंक मिल्क, है ना। अब ये कॉमा मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, बट मैं यहां पर जाऊंगा बी फॉर बॉम्बे पे, यहां पर मैं जाऊंगा बी फॉर बॉम्बे पे, ठीक है ना। और मेरे को यार सी सही नहीं लग रहा। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, सी वालों की रिस्पेक्ट है, ए वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ए वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा बेबीज ड्रिंक मिल्क ऐसा हो गया जैसे रेगुलर एक्शन है, नहीं, बेबीज बहुत कुछ पीते हैं, खाली मिल्क नहीं पीते। यूनिवर्सल ट्रुथ कहीं से नहीं है कि बेबी दूध पीते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। बेबीज आजकल दूध के अलावा सारी चीज पीते हैं, ध्यान रखना। मैं बी की तरफ जाऊंगा दोस्तों, और ये थोड़ा सा मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बेबीज दूध के अलावा आजकल सब पी रहे हैं, ठीक है ना, और सब खा रहे हैं, हेल्दी चीजों को छोड़कर हम सब कुछ खा रहे हैं, ये ध्यान रखना। यार एडवाइस थोड़ा सा मुझे अग्री नहीं कर रहा हूं क्योंकि मतलब सूट नहीं कर रहा है मुझे, मैं सही बोलूं तो। चलिए बेबीज ड्रिंक मिल्क, और ये मुश्किल था यार, ये मतलब थोड़ा सा ऐसे कर पाना थोड़े कई बार मुश्किल होते हैं। आइए दोस्तों अब थोड़ा सा ग्रामर की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे कि इन ग्रामर में से हमें चार में से, और गाइज ये पैटर्न रहा था लास्ट टाइम डी ट्रिपल एस बी का, दोस्तों ये लास्ट टाइम पैटर्न रहा था डी ट्रिपल एस बी का जो हमें करना था। चलिए आजकल भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है, बेबीज जो है आजकल मतलब आउटसाइड फूड खाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, है ना, और दिन भर बस मोबाइल लेके, है ना, दे कैन स्पेंड देयर एंटायर डे विद द मोबाइल, फ्री फायर, ना दे कैन सिंपली गो एंड प्ले फ्री फायर, और मुझे लगता है आजकल वही धुआं उड़ा रहे हैं लोग बस। दोस्तों इसमें ये ढूंढना है कि हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइएगा, और अब हमें अपना क्या पता लग जाएगा, We will come to know our हैसियत in you know grammar. हमें अब ये पता लग जाएगा कि हमारा अपना हैसियत कितना है ग्रामर के अंदर। चलिए let's see how many of you can giving correct answer. दोस्तों देखिए one another, मैं simple सी बात करूं, one another जो है वो more than two में आता है, right? और each other जो है वो two में आता है, each other जो है वो टू में आता है, और वन अनदर मोर देन टू। तो गाइज यहाँ पे थ्री सिस्टर्स हैं तो वन अनदर आना बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी लोग ए में एरर लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। अब देखो यू आर द पर्सन हु इज वॉन्टेड, हु जो है वो पर्सन के अकॉर्डिंग इंग्लिश बना रहा है, इज वॉन्टेड आना बिल्कुल सही है। अब ये पैटर्न आया था गाइज इस बार डी ट्रिपल एस बी में एंड पीपल गॉट पजल्ड। अच्छा देखिए ओवरफ्लोड बिल्कुल सही है यार, ये है ना, रिवर ने अपने बैंक्स को ओवरफ्लोड कर दिया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो है डी फॉर दिल्ली, ये जो हंग है ना, ये समझो बात को, एक होती है हैंग, उसका सेकंड फॉर्म होता है हंग, और थर्ड फॉर्म होता है हंग। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को खूंटी से टांगना, दरवाजे के पीछे टांगते हो ना, खूंटी से दरवाजे के पीछे टांगना, और एक हैंग होता है फांसी पे चढ़ाना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है हैंग, ये होता है किसी को फांसी पर चढ़ाना, राइट right? ये क्या होता है गाइस, किसी को फांसी पर चढ़ाना, ओके, सो हैंग हैंग्ड हैंग्ड, राइट, सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड द राइट वन। मर्डरर को खूंटी पे नहीं टांगा था, मर्डरर को खूंटी पे नहीं टांगा था, ये ध्यान रखना, मर्डरर को तो क्या करा था, फांसी पे लटका दिया गया था। तो यहां पे जो हंग है ना, इसको हटाकर आप क्या कर दीजिए, हैंग्ड कर दीजिए। तो हमारा जो राइट आंसर था वो था डी फॉर, मतलब जो गलत था, सॉरी गलत था, लेकिन पेपर में उसको मार्क करना है, ये हमारा एरर थी। और किस पार्ट में एरर थी, इस पार्ट में एरर थी, राइट, सो विल बी मार्किंग दिस, ये ध्यान रख। तुमने तो भाई मर्डरर को क्या कर दिया, खूंटी पे टांग दिया, यार ये ध्यान रख लेना, मर्डरर वॉज हैंग्ड, राइट, मर्डरर वॉज हैंग्ड,
माई रॉन्गली, कोई दिक्कत नहीं, इफ योर रॉन्गली इज आंसर नो प्रॉब्लम, आप अपना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत हुआ है तो अगला देखिए। चलिए आ जाइए, देखते हैं यहां पर कितने लोग गलत सही कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करिएगा दोस्तों, है ना। आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद यू एंड दीज एरर्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड दी इंपॉर्टेंट वन फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए जल्दी बनाइए दोस्तों, जल्दी जल्दी बना दीजिए। बहुत आसान है दोस्तों ये तो, ऑल आर पी वाई क्यू, चेतना श्रीवास, यस ऑल आर पी आई क्यू, ये तो पीआरटी के क्वेश्चन है, मुझे ध्यान है अभी भी, ये सारे तो 2018 वाले पीआरटी में भर भर के आए थे, भर भर के 2018 के पीआरटी में थे, एंड दीज क्वेश्चन वर वेरी वेरी टिपिकल टू चेक द ग्रामर और स्किल्स ऑफ द पीपल। देखो यार यहाँ पे सीधी सी बात है, अभी मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूं, मैनी के बाद अगर ए आ जाए तो अगला जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है ना, और हमारी जो ओवरऑल वर्ब आती है वो भी सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहां पर देखो, एक तो मैनी आया, फिर उसके बाद ए आया, ये जो मैन है इसको उठाकर क्या कर दो, मैन, ठीक है ना, और ये जो रन है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, इसको उठाकर कर दो रन्स, तो पूरा बनेगा मैनी अ मैन रन्स, पूरा क्या बनेगा, मैनी अ मैन रन्स आफ्टर वेथ। तो यहां पे हमें सामने सामने एरर मिल गई है, और ये वाली हमारी एरर है दोस्तों, ये ध्यान रख, और ये तीन से चार बार आई थी एरर मैनी अ मैन वाली पेपरों में, राइट, एंड आई स्टिल नो गाइस दिस एरर, आई वॉज यू नो टेकिंग पर्सनल ट्यूशन फॉर वन ऑफ दी यू नो लाइक दी स्टूडेंट्स एंड आई टोल्ड दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम, और उन्होंने पेपर में फिर भी गलत कर दिया, कह रहे आई गॉट कन्फ्यूज, मैंने कहा लाओ हमारा डंडा कहाँ है, है ना, मैंने कहा दिखाइए जरा डंडा कहाँ है, बताते हैं इनको कैसे कन्फ्यूज हो गए ना। आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, और गाइज वेन यू लाइक मेक मिस्टेक इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन ना, इट पेन्स अ लॉट, वेन वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम, when we have told you about this multiple time and still making errors in these kind of question, it pains a lot, right? बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, फिर तो डंडा ही चाहिए, फिर है ना, बंदा चाहिए और डंडा चाहिए और corporal punishment चाहिए फिर, right? We are supposed to share the corporal punishment in that case. क्या डंडा लाओ फिर हमारा, ठीक चलिए लाइए, हाँ many a man run after swim. चलिए आ जाइए दोस्तों, जल्दी से शुरू कर लेते हैं, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 जो आया था, देयर वर टू एरर्स, और अब मेरे को सही में कंफ्यूज हो गया था, हाउ व्हाट शुड आई टेक एज एन एरर। अच्छा डंडे के लिए कोई बता सकता है वर्ड, चलो डंड इसको इंग्लिश में बोल के दिखाओ, कोई डंडा इसको इंग्लिश में बोल के दिखाओ, अब कोई ये मत बोल देना रॉड स्टेक, वो तो मुझे भी पता है, सीबीएसई अप्रूव कॉर्पोरल पनिशमेंट डिनाई कर तो, या सीबीएसई ने तो क्या आपको एनसीईआरटी के आप में पेडागोजी के अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट भगवान हो जाता है ना, ऐसे लगता है कि स्टूडेंट सबसे डिसेंट आदमी है, सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो तो टीचर ही है, इफ यू गो अकॉर्डिंग टू पेडागोजी, है ना, स्टूडेंट सीम्स टू बी अ वेरी वेरी डिसेंट गाय, वेरी शरीफ गाय, है ना, एक बार घर पे आके देख लो बच्चे कैसे स्टूडेंट होते हैं, है ना, डंडे से पिटाई ना करो तो पढ़ने नहीं बैठते हैं, है ना, इफ यू डू नॉट यूज स्टेक दे आर नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ। चलिए जल्दी बताइए जरा 15 के डंडा का, मैं बताता हूं, देखिए डंडे को सबसे अच्छा वर्ड है इंग्लिश में बैटॉन, राइट, और इसको अगर मैं बोलू तो और क्या बोल सकते हो, क्लब, राइट, इसको हम बोल सकते हैं कजल, राइट, और क्या बोल सकते हैं, ट्रंचन है और सब है, ठीक है, ब्लजन, ठीक है, इसको बैटन क्लब भी बोलते हैं गाइस, क्लब अच्छा वर्ड है, ठीक है,
क्लब वो होता है जो हॉकी वाले यूज करते हैं डंडा, दैट इज कॉल्ड क्लब। बैटॉन यूज कर सकते हैं गाइज, है ना। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट यूजिंग द बैटॉन वर्ड, वेरी नाइस वर्ड गाइज, ठीक है। अच्छा गाइज, यहाँ पे दो एरर थी, अब मैं एक बार की देख लूंगा उन्होंने किस एरर को दिया था। वैसे दो एरर है, एन एडवाइस नहीं हो सकता गाइज, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ एन नहीं आ सकता, ये होना चाहिए था पीस ऑफ एडवाइस, राइट। ये क्या होना चाहिए था, दिस शुड बी पीस ऑफ एडवाइस। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर आई का कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, और आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम सब्जेक्ट विल बी कंपेयर्ड विद सब्जेक्ट। आई का कंपैरिजन ही से होगा, आई का कंपैरिजन हिम से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मी का कंपैरिजन देखूं तो मी का कंपैरिजन ही से नहीं होगा, वो हिम से होगा। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपैरिजन चलते हैं, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। तो देर आर टू एरर्स इन दिस केस, बट मेरे को लगता है शायद ये वाली एरर उन्होंने पेपर में मार्क करी थी, है ना, और उन्होंने एन एडवाइस को ओके कर दिया था, और आई एम नॉट श्योर हाउ दे यू नो गेव द एन एडवाइस ओके। अब ऐसे क्वेश्चन में गाइस स्टूडेंट इज कंप्लीटली गॉन, बिकॉज व्हेन देयर आर टू एरर्स एंड यू नो बोथ द एरर्स देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बिटवीन यू एंड मी होता है, बिटवीन यू एंड आई नहीं होता। चलिए एक मिनट रुकिए, नहीं 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 नहीं, ये ऊपर यार, सॉरी ये इनकरेक्ट ही है, ये इनकरेक्ट है दोस्तों, इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ मेरी मेरी टाइपो मिस्टेक है, ये मेरी टाइपो मिस्टेक है यार, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस है ये। अगर करेक्ट देखूंगा तो करेक्ट तो फिर आपका बी बी है और सी बी है, करेक्ट देखूंगा तो फिर बी और सी दोनों है। मेरी अपॉलॉजी यार, ये ऊपर से टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट सेंटेंस ही ढूंढना है, राइट। तो इनकरेक्ट आपका ये भी था और ये भी था, ध्यान रखिए, बट मेरे को लगता है ये ज्यादा प्रेफर्ड करा होगा उन्होंने। अच्छा देखो, सीनरी सिंगुलर है तो वो इजी आएगा, और बिटवीन यू एंड मी ही होता है, बिटवीन यू एंड आई नहीं होता, ये ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी बताइए। अब ये कुछ 420 लोग देख रहे हैं, 420 कौन है, ये 420 नंबर कौन है। चलिए यार, हां जी दोस्तों जल्दी बता दीजिए यार, व्हाट डू वी हैव, फाइंड द करेक्ट वन। ही हैज गिवन द ग्रेट ट्रबल टू माय फादर एंड मी, लेट यू एंड आई डू इट, देयर इज रियलिटी, देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, एवरीवन मस्ट बियर हिज ओन बर्डन, व्हाट कुड बी द राइट आंसर। अभी उस क्वेश्चन को छोड़िए, उसमें दो इनकरेक्ट थे, दो करेक्ट थे, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो 420 बोला, 411 हो, चलो ठीक है। हाँ जी जल्दी बताइए गाइस, फाइंड द करेक्ट वन। ही हैज गिवन द ग्रेट ट्रबल टू माय फादर एंड मी, देखिए सीधी सी बात है, फादर एंड मी ये बिल्कुल सही है यार, क्योंकि आपकी वर्ब ये है, वर्ब के बाद जो प्रनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लेट आपकी इंग्लिश में वर्ब होती है ना, लेट आपका क्या है यहां पर, वर्ब है। तो ये जो है आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद जो प्रनाउन आएगा, वर्ब के बाद जो प्रनाउन आएगा वो ध्यान रखना क्या होगा, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। और आपने बोला भी ऐसे ही है गाइस, लेट मी गो, है ना, लेट हिम गो। तो यहां पर जो ये आई है ना, इसको उठाकर क्या कर दो, मी कर दो। अरे यार ये ना इसमें, सॉरी इसको ये कर लेना यार, ये मेरे ख्याल से गलत हो गया, इसको आप इनकरेक्ट करो, आप इनकरेक्ट ढूंढना है, राइट, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। वो गलती से करेक्ट वन लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, आपको इनकरेक्ट वन ढूंढना है, ये ध्यान रखिएगा। सारे सेंटेंसेस में आपको इनकरेक्ट ढूंढना है दोस्तों, करेक्ट नहीं ढूंढना। तो यहां पर इसको इनकरेक्ट ढूंढना है, ये वाला करेक्ट है,
लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई, यहां पर मी आना चाहिए। अब देखो बिटवीन के साथ भी मी आ रहा है और यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही होता है ना, तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं होता। और एवरी आपका सिंगुलर है और उसके साथ आपका हिज आ रहा है, ये भी परफेक्ट है। तो ये तीनों के तीनों परफेक्ट है, सिर्फ आपका जो गड़बड़ है वो कहां पर है, लेट यू एंड मी डू इट। ठीक है, जो गड़बड़ है वो कहां पर है दोस्तों, लेट यू एंड मी डू इट। ओके, तो ये यार बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार रुला दिया था इसने DSSB में लोगों को। ठीक है, इस बार रुला दिया था गाइस, ये ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं ये बोलू यू एंड आई, तो गाइस अब अगर मैं इसके बाद वर्ब लगाता हूं तो ये सही है, क्योंकि वर्ब से पहले तो यू एंड आई बोल सकते हो। कई लोग कह रहे हैं, बलदेव कह रहे हैं कि यू एंड आई क्यों बोलता है, वो बोल रहे हैं यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस। तो यू एंड आई बोलना गलत नहीं है, लेकिन वर्ब से पहले होना चाहिए। यू एंड आई क्या होना चाहिए, ये वर्ब से पहले होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर वर्ब के बाद लगाते हो तो फिर वो गलत है, ये ध्यान रखना। चलिए यहां पर जो एरर निकली दोस्तों, यहां पर जो एरर निकली है वो ये है, इसमें मी आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन आइए जल्दी से। एवरीवन मस्ट बियर, अरे यार मॉडल के साथ कभी वर्ब में SAIS नहीं लग सकता। आप कभी बोल सकते हो यू कैन गोस, ये इंग्लिश बोली है किसी ने आज तक, भयानक वाली, इसको मैं बोलता हूं भयानक वाली इंग्लिश। एवरीबडी मस्ट हेल्प्स, है ना गाइस, मॉडल वर्ब के बाद कभी भी वर्ब में SAIS नहीं लगता, है ना, मॉडल वर्ब के बाद कभी भी वर्ब में SAIS नहीं लगता, ये ध्यान रख लीजिए। चलिए तो यहां पर, अच्छा देखो यहां पर और आया है, तो मैं ये सब्जेक्ट बता ही चुका हूं आपको, और में आपका ही सब्जेक्ट है, ये वाली लाइन सही है। मैनी मैनी अ मैन, देखो मैनी के बाद ए आया, मैन आया, और डज नॉट भी आपका सिंगुलर होता है, मैनी अ मैन और डज नॉट भी आपका सिंगुलर होता है, ये भी सही है। और एज वेल एज आने पर आपके अरबिक की वैल्यू नहीं है, है ना, यहां पर वैल्यू है संस्कृत की, तो संस्कृत के अकॉर्डिंग वॉज लगाना भी सही है, इसको आप इनकरेक्ट कर लो यार, राइट, इनकरेक्ट वन फाइंड आउट कर। तो गाइज यहां पर देखो आइदर यू और ही, ये भी सही था, ठीक है, मैनी या मैन में डज नॉट। और देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन है ये, अगर आप लोगों को ये रूल्स नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, हाउ टू पिक इट अप, गाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दीज क्वेश्चन। यहां पर देखिए, यहां पर आपका ये भी सही था, क्योंकि सब्जेक्ट ये था, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, वर्ब भी सिंगुलर लगाई उसने, संस्कृत आपका सब्जेक्ट था, वॉज। इस वाले में क्या दिक्कत है, ईच ऑफ दीज, अब देखो दीज के साथ सब्सटेंस नहीं आएगा, दीज के साथ आएगा सब्सटेंसेस, राइट, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ये ध्यान रखना, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ये ध्यान रखिएगा गाइस। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंग्लिश, यस दे आर वेरी गुड एट इंग्लिश यार, है ना, भयानक इंग्लिश बोलते हैं, ब्रह्मांड हिला देते हैं जब इंग्लिश बोलते हैं, राइट, व्हेन पाकिस्तान, और आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट हाँ दे यू नो क्या कहते हैं, स्पीक वेरी वेरी डेंजरस इंग्लिश, जिसको मैं बोलता हूँ डेंजरस, जिसको देख कर मैं भा, बट गाइज मैं एक चीज और बोलूंगा आपको, प्लीज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, डजंट मैटर राइट और रॉन्ग, है ना, आप इंग्लिश बोलते हो मेरे को बहुत सही लगता है, बिकॉज एटलीस्ट यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, ठीक है, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट, है ना, एंड आई सी द एफर्ट एन नंबर ऑफ टाइम्स बाय लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, ये ध्यान रखनी। यस देयर इज माइनर मिस्टेक विच वी यूजली इग्नोर, यहाँ पर सब्सटेंसेस है, ये ध्यान रखना, और यही एरर थी यहाँ पे, ये वाला एरर है दोस्तों। चलिए 18 पे आ जाइए, अब ये आप खुद बताइए दोस्तों जल्दी से, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में थे,
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है ना सिंपल, ये काफी आ रहे हैं यार पेपरों में क्वेश्चन यार। आई कैन टेक माई एंटायर क्लास इन इंग्लिश रेनू, बट प्रॉब्लम इज दैट यू नो यहाँ पे पेपर डिस्कशन हो रहा है एंड लाइक मुझे लगता है दैट शुड बी डिस्कस्ड अ लिटिल बिट इन हिंदी एज वेल। चलिए वेरी नाइस यार। अध्ययन मंत्रा पे मेरे सेपरेट कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए गाइस, सपोज इफ यू कैन नॉट बाय द कंप्लीट कोर्स ऑफ यू नो लाइक DSSSB, यू कैन ऑल्सो गो फॉर इंग्लिश कोर्सेस दैट इज सेपरेटली अवेलेबल, जिसमें ग्रामर का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है जिसके अंदर, और क्या कहते हैं बहुत ही चीप रेट पे मैं बोलूंगा, बहुत ही मतलब उनको बोल सकते हैं ग्रामर मेरा 399 है, दीपक 10 कोड लगा सकते हैं, ठीक है, दीपक 10 कोड लगाने के बाद 10% डिस्काउंट है, ध्यान रख लीजिएगा, अगर दीपक 10 कोड लगता है तो 10% डिस्काउंट है मेरे कोर्सेज पे, राइट। और मेरे पास ग्रामर भी कोर्स है, मेरे पास वोकैब का भी कोर्स है, और मेरे पास दोनों का कॉम्बो भी है, तो व्हाट एवर वुड यू लाइक टू प्रेफर यू कैन सिंपली गो एंड बाय इट, इफ यू आर अ इंग्लिश लवर Definitely, this is going to be a very helpful for all of you. Guys, vocabulary ka course, I know some of you are part of those vocabulary and you are enjoying the benefit of it. Okay. Chaliye, jaldi bataiye, dosto, yahan par. Dekho, when I went there, ye aapka subordinate clause hai. The doors were locked, ye aapka principal hai. To ek subordinate aur ek principal banata hai aapka complex sentence. To ye wala to okay hai. I shall wait आपका principal clause है, until you finish dinner subordinate clause है, ये भी बन गया complex, though he is poor आपका subordinate clause है, he is honest बन गया principal, तो ये भी आपका बन गया complex, तो यानी all of the above is right answer, ठीक है यार। speaking course के लिए give me some time, okay, we'll be starting speaking course once we are free with your, ठीक है ना, अगर मैं बोलूं तो हम लोग जब फ्री हो जाएंगे किससे, ये DSSSB से। देखिए गाइस, अल्टीमेट टारगेट ये है कि हम लोगों का DSSSB में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जाए, और इस बार मैं अपना हार्ट एंड सोल दूंगा। तनु दीक्षित डेफिनेटली विल बी कमिंग आउट विद द स्पीकिंग कोर्स वंस वी आर फ्री फ्रॉम दिस, ओके। राइट नाउ माई सोल पर्पज इज टू हेल्प यू आउट टू क्लियर योर एग्जाम, ओके, एंड दैट इज द रीजन वाई गाइज वी आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट। आ जाइए जल्दी, चलिए नेक्स्ट बताइए गाइस, जल्दी से फाइंड दी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जल्दी बता दीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है इसमें। तनु दीक्षित डेफिनेटली विल बी कमिंग आउट विद लॉट ऑफ न्यू कोर्सेज एंड आई एम सपोज टू गिव यू 2-3 कोर्सेज इन दिस ईयर, अभी मेरे 2-3 कोर्स है विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, वैलिडिटी गाइस 6 मंथ्स है बट मैं उसको 8 मंथ्स तक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वैलिडिटी फॉर माई कोर्स इज 6 मंथ्स बट, और देखो मैं क्यों कहता हूं 6 मंथ्स, अगर आप 6 महीने में भी नहीं पढ़ पाए तो क्या करोगे यार फिर उस कोर्स का, वो तो पढ़ा हुआ है, पढ़े हुए की चीज क्या करोगे फिर, तो आप 6 महीने बाद खरीद लेना अगर आप 6 महीने तक उसको नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, ये ध्यान रख। ग्रामर और वोकैबुलरी बैच गाइज योर गोना ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, एक बार मैं सही बोल रहा हूँ, ग्रामर एंड वोकैबुलरी बैच इज गोइंग टू गिव यू एन नंबर ऑफ स्टफ, और डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, और मेरे ख्याल 720 में मिल रहा है, ठीक है, एंड ग्रामर एंड वोकैबुलरी बोथ द बैचेस, ग्रामर एंड वोकैबुलरी बोथ द बैचेस यू आर गेटिंग इन ओनली 720, बट प्लीज मेक श्योर वी अप्लाई द डिस्काउंट ऑफ दीपक 10। चलिए नाइदर नॉर के साथ आने पर, नाइदर नॉर के साथ आने पर ये बन जाता है कंपाउंड, ठीक है, नाइदर नॉर कंपाउंड बन जाता है, अगर बट से जुड़ता है तो ये भी आपका कंपाउंड बनता है, क्योंकि बट आपकी फैन वॉइस कंजंक्शन है, और फैन वॉइस कंजंक्शन 2 प्रिंसिपल क्लॉजेस को ही जोड़ती है, तो ये भी आपका कंपाउंड बन गया। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपके फ्रेज होते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ही प्रिंसिपल क्लॉज है तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। ही इज स्टडिंग हार्ड, ये आपका प्रिंसिपल है, सो दैट से जुड़ने पर आपका बन गया सबऑर्डिनेट, तो ये आपका बनेगा कॉम्प्लेक्स, राइट, ये आपका क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ये हमारा आंसर है कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स का। और गाइस दीज आर वेरी वेरी टेक्निकल नॉलेज, है ना। कल मैंने अपने टेलीग्राम पे भी खेली थी ये क्विज और सम ऑफ यू आर एक्सेप्शनली वेल इन डूइंग ऑल दी स्टफ गाइस, है ना। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा, कई लोगों ने 26 क्वेश्चन दिए थे, तो सम ऑफ यू स्कोर 23-24, दैट्स एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय यू गाइस, ठीक है। चलिए ये हमारा है डी फॉर दिल्ली। अच्छा, आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स का एक वीडियो पूरा पड़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, आप जाइए अध्ययन मंत्रा पे दीपक सर के नाम से सर्च करिए, तो आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स तो वहां पर ही देखने को मिल जाएगा अगर आपको सिंगल वीडियो देखना है तो, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलते हैं। 20 दो मेरे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए दोस्तों जल्दी से यार। हैविंग प्लस थर्ड जो होता है ना, किसी ने सी बोला, हैविंग प्लस थर्ड आपका एक जो होता है वो क्या होता है, वो एक फ्रेज होता है, तो उसको आप क्लॉज काउंट नहीं कर सकते। नम्रता कुरमारी को ये रोना आ रहा है, क्या हो रहा है। पेड बैच आप, मैं फिर बोल रहा हूं, अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पर जाइए, अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पर जाइए, है ना, वहां पे इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेशल में जाइए, वहां पर आप सब्जेक्ट स्पेशल में जाइए, वहां पर आपको मेरी फोटो के साथ, ठीक है ना, तीन कोर्स नजर आएंगे, एक वोकैब का, एक ग्रामर, ग्रामर रिकॉर्डेड है, फिर बोल रहा हूं ध्यान रखना, ग्रामर रिकॉर्डेड है, और अगर आप चाहेंगे तो आप कॉम्बो भी ले सकते हैं। वो कैब बैच की जो प्राइस है वो है 599, ग्रामर का है 399 और इसका है 799, 10% आप डिस्काउंट ले सकते हैं दीपक टेंस। ज्यादा प्रचार मत कराइए, लोग पढ़ने भी आए हैं, है ना। हाँ, पता लगा लोग प्रचार करते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अपना प्रचार करते हैं। चले गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, और ये गाइस पीजीटी में आया था, मुझे अभी तक ध्यान है ये पीजीटी में आया था, नैरो नेक ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू बिगर लैंड मैसेस, इसको बोलते हैं। देखिए अगर इसको यूके में बोलेंगे तो आप बोलेंगे इस्टमस, है ना, और अगर आप यूएस इंग्लिश में बोलेंगे तो इस्टमस, ठीक है, ये ध्यान रखना। यार टेलीग्राम, आप कोई टेलीग्राम लिंक भेज देना यार, एनीवन लाइक हु इज जॉइंड विद माय टेलीग्राम, दे कैन यू नो सिंपली लेट देम नो अबाउट माय टेलीग्राम। यार अध्ययन मंत्रा में जतिन, आप सब्जेक्ट स्पेशल में जाइए, सब्जेक्ट स्पेशल में आपको दिखाएगा, कनेक्टेड ऐप डाउनलोड करने के बाद सब्जेक्ट स्पेशल में जाइए, उसमें सब्जेक्ट स्पेशल में आपको दिखाएगा वो, ठीक है ना जतिन, सब्जेक्ट स्पेशल में जाके आपको मिल जाएगा। चलिए यस, राधे प्रिय ज्योति वर्मा ने दे दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम, आई एम नॉट सपोज टू स्पीक अबाउट माय टेलीग्राम, वो सब वही इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये हमारा आंसर आ गया इस्मस, राइट, हमारा आंसर क्या है इस्मस। और गाइज मेरे पास टाइम बिल्कुल हो गया है खत्म और मैं भाग रहा हूं। वन हु इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी, जल्दी बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों यार, ठीक है, मैंने बोला ना आई एम क्वाइट प्रोफेशनल इन डीलिंग विद पीपल, अगर आपका काम यूट्यूब से चलता है यू आर वेलकम टू कम हियर, और इफ यू वांट टू गेट द डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द वोकैबुलरी एंड द ग्रामर, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल, आई वुड से वेरी नॉमिनल प्राइस विच आई एम टेकिंग फॉर माई बैचेस, ओके। तो मुझे लगता है वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है गाइस, विच यू कैन टेक फ्रॉम देयर, ठीक है। यस, गुरु दक्षिणा बोल सकते हो यार, ये इतना तो चलता है ना, बहुत हैवी प्राइस नहीं। मैंने हमेशा बोला है मेरा प्राइस कभी इससे ऊपर नहीं जाएगा, यानी 4 डिजिट में मैं कोई कोर्स नहीं निकालूंगा, ये मैंने डिसाइड कर रखा है ताकि आप लोगों की पॉकेट को बिल्कुल सूट करे,
मैंने डिसाइड कर गाइस मैंने देखे हैं लोगों के बैच 2999 4999 है ना, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गो बियॉन्ड दिस रीच है ना, और अभी तो मेरा ग्रामर और वो कैप दोनों 799 में। चलिए फॉन्ड ऑफ लग्जरी स्क्वांडरर तो होते हैं गाइस जो वेस्ट करते हैं, प्रोफ्लीगेट भी ऐसे ही होते हैं वेस्ट करने वाले, स्पेंड थ्रिफ्ट भी। ये आंसर आएगा एपिक्योर, एपिक्योरियन टेस्ट होता है गाइस, बहुत लग्जरी लोग होते हैं ये, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेस्ट होता है इनका, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए। ग्लट मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा आ जाए, ग्लट ऑफ कार्स इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर कारों की भरमार लगी पड़ी है ना, देयर इज ग्लट ऑफ कार इन दिल्ली। ग्लट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा आ जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों यार रीजनिंग रोशनी फैलाने आएंगे हमारे साथ अब, ठीक है ना, हमारे साथ रीजनिंग रोशनी फैलाने आएंगे संदीप सर, इनका भी अपना एक बैच आया है गाइस, यू कैन ऑल्सो गो एंड परचेज दैट बैच इफ यू आर यू नो वॉन्ट टू बी द मास्टर ऑफ रीजनिंग, तो आप जा सकते हैं डेफिनेटली, उनको भी क्या कहते हैं डेफिनेटली सपोर्ट कर सकते हैं गाइज। तो रीजनिंग रोशनी नाम से इन्होंने बैच निकाला है गाइज, आई थिंक आप सब लोगों को भी आइडिया होगा, ठीक है। चलिए यार आज इतना ही करते हैं, रीजनिंग सर मस्ट बी वेटिंग फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई विल बी मीटिंग यू टुमारो, कीप सपोर्टिंग, ठीक है। एंड गाइज एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन बैच दे कैन सिंपली गो, दे कैन गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम, अगर कोई इशू है तो वहां पर जाकर भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर पे, वहां पे मैं अवेलेबल हूँ, एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंग्लिश बैच यू कैन टेक फ्रॉम देयर, ओके। चलिए गाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम, आई हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट गाइज, आई हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट।